राम राम, राम राम जी। तो ज्योति ब्लॉगर की राम राम आप सभी को। और मैं अभी आई हूँ नहाकर और मैंने सर धोया है और मैं लगा रही थी थोड़ी सी क्रीम। तो मैं शुरू से ही फिर अनबिल क्रीम यूज करती हूँ, वही लगा रही थी अभी थोड़ी सी। तो मम्मी बोल रही थी फेस जो है काला काला हो रहा है, थोड़ी सी क्रीम लगा लिया अगर। तो घर में कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि मतलब ढंग में तो रहने करो। तो घर में तो मैं मेकअप नहीं कर सकती हूँ, ज़्यादा क्रीम लगा सकती हूँ। सर धोया तो मांग भर लूँगी, बाकी बिंदी लिपस्टिक तो नहीं कर सकती हूँ मैं घर में। और चूड़ी वगैरह नहीं पहनती हूँ मैं घर आकर, एक कंगन डाल देती हूँ, पहले डाल कर रखी है, अब गर्मी में तो ऐसे भी नहीं डाली जा रही है। तो ये मेरा घर है, मेरी ससुराल नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। और एक मेरी भाषा को लेकर, तो देखिए जैसी मेरी भाषा है वो भी मैं नहीं बदल सकती हूँ, ना ही मैं अपना ढंग बदल सकती हूँ। बस कपड़े लत्तों की बात है तो वो मैं चेंज कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। आप लोगों को ये ना लगे कि इसका पल्लू ये ख़राब हो रहा है, इसमें ये ख़राब हो रहा है, ठीक है ना। पर भाषा नहीं बदल सकती, देखिए इसको लेकर मत कमेंट करिए। मेरे को अच्छी लगती है, मैं गांव की हूँ, जैसी मेरी भाषा है वैसी ही मैं रखूँगी। मुझे अपनी भाषा बहुत अच्छी लगती है। मेरे को यानी कि तेर मेर करना आता है, इंग्लिश झाड़ना, सीधी सिंपल भाषा है अपनी। तो अपने तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे वैसे कट जाएगी ज़िंदगी, आपका क्या होगा जनाब। तो हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और चलिए क्रीम लगा ली है और इनमें फ़िलहाल मैं कलेचर लगा लेती हूँ, अभी गिले हो रहे, जब सूखे हो जाएंगे तब भागूँगी। बस इतनी सी भरूँगी मैं, पीछे तक नहीं भरूँगी क्योंकि सूखा सिंदूर जो है मेरा वो भर रह गया है। बस कर लिया हमने थोड़ा सा मेकअप। तो चलिए अभी आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ मैं, थोड़ा आराम कर लूँ। कायरव जो है वो सो रहा है और पीछे भैया सो रहे हैं, इधर अपनी सो रही है, सब लोग सो रहे हैं, मैं भी सो जाती हूँ। आज डाल लेते हैं हम एयरिंग्स कानों में, तो हमने कई दिन से एयरिंग्स भी नहीं डाले हैं, डाल भी लिए थे मतलब दूसरे वाले डाल रखे थे, आज ही दूसरे वाले डालती हूँ। तो ये वाले डाल लिए मैंने। तो काफ़ी टाइम से आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो कि आपने गोल्ड के एयरिंग्स दिखाओ, आप क्यों नहीं पहनते हो। तो हाँ, कल नहीं परसों वो जो ब्लॉग आने वाला है उसमें मैं आप लोगों को अपने एयरिंग्स ज़रूर दिखाऊंगी गोल्ड के। तो वीडियो देखना मत छोड़िएगा और भूलिए भी मत, वीडियो ज़रूर देखें। तो ए वाले एयरिंग्स डाल लिए मैंने और ये पायल है मैंने निकाल कर रखी हुई थी, पायल भी डाल लेते हैं। गर्मी में पैर ही नहीं जा रही थी, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, टांग ही पड़ी हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं पैर। वैसे एक बात है, पायल से पाँव की शोभा बढ़ती है बहुत, मेरे को तो बहुत पसंद है पैर तैरना, पर मैंने निकाल कर रखी हुई थी गर्मी की वजह से। गर्मी इतनी ज़्यादा है बहुत। तो चलिए अब हमारा थोड़ा सा मेकअप जो है वो हो चुका है, बाद हम थोड़ी देर के बाद पाएंगे। तो बस चलते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। आज मैंने क्या पहनना है, तो मैंने ना ये वाला बनियान और ब्लैक कलर वाला प्लाजो डाला है। तो ये मैंने प्लाजो मम्मी ने लिवाया है मुझे अभी, तो मैं सारा सोच रही हूँ अभी थोड़ा आप पहन लेती हूँ गंज, तो आप लोगों को दिख रहा है। तो मैं सोच रही हूँ जब ससुराल पहुँच जाऊँगी एक दो दिन में, तो आप लोगों को सब दिखाऊंगी। मम्मी ने और भाभी को लेकर कमेंट आ रहे थे, उन्होंने क्या दिलाया मुझे, ठीक है। अभी उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में और मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो यहाँ पर मैंने इस कटोरी में निकाल कर रखी है मुनाखा और किशमिश, और साथ के साथ सूजी निकाल कर, सूजी जो है वो अंकल जी अभी दुकान से लेकर आए हैं, जो घर की थी वो ख़त्म हो रही थी। और एक लोटा ले रही हूँ मैं यहाँ पर पानी। तो चलिए अभी गैस पर कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, उससे पहले सूजी जो है उसे अच्छे से छान लेते हैं। उसे छानने के बाद ही मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी, बिना छाने नहीं बनाऊंगी। पता नहीं दुकान से आई है, कुछ पिड़ाई वगैरह तो नहीं हो रही है या गंदी तो नहीं है, तो उसे चेक कर कर ही बनाना चाहिए। तो उसमें मुझे कुछ काला काला एक दो चीज़ पड़ी हुई लग रही थी, तो मैं इसे छान कर ही बनाऊँगी। तो देखिए मैंने सूजी छान ली है, और जो बाकी की थी छन्नी की वो मैंने कलके में डाल दिया ऊपर ऊपर की। और क्या नाम है, इसमें से मुझे सारी सूजी का नहीं बनाना है, जितने का भी बनाना है वो मैं इसमें यूज कर लूँगी। बाकी जो है मैंने सारी छान दिया, बाकी को मैं उठा कर रख दूँगी। और अभी यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है और मैं इसमें डाल दूँगी घी। तो उससे पहले मैं गैस ऑन कर लेती हूँ और
मैंने सोचा कि चलो अंकल जी बोल रहे हैं कि बेटा थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लो तीसरे पैर की चाय के साथ, भूख लग रही है। तो मैंने बोला कि चलो मैं बना देती हूँ, आप लोग आज खाइए, आप लोगों के लिए मैं बनाती हूँ सबके लिए। तो मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे कि मायके में सब कुछ करती रहती है, ससुराल में भी कर लिया कर। तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ कुछ नहीं बनाती हूँ, जो लोग मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है मैं वहाँ भी कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। देखिए हाँ, मुझे थोड़ा कायरव से छुटकारा मिल रहा है क्योंकि यहाँ मेरा मायका है और मेरे मम्मी पापा यहाँ सब इतने सारे जने हैं उसे लेने के लिए, तो यहाँ थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा। और वहाँ पर आप लोग जानते हो मम्मी और हस्बैंड ही है, तो उनको भी अपने काम होते हैं और यहाँ इतने सारे सदस्य हैं तो कोई ना कोई ले ही लेता है, तो थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है। तो अभी देखिए मेरी यहाँ कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, मैंने इसमें घी डाल दिया है और मैं इस घी को अभी थोड़ा चमचा फिरा दूँगी जिससे वह जल्दी से पिघल जाए। वैसे तो पिघल जाएगा पर मेरे को ये हो रहा था, अंकल जी नीचे घास काट रहे थे और बोल रहे थे कि इतना मैं ऊपर आऊँगा बेटा इतना हलवा बना लेना, फिर उन्हें खेत में जाना था। देखिए किसान आदमी का खेत कार का काम रहता है, पानी वगैरह चल रहा था तो हर वक्त खेत का काम लगा रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक चमचा जो सूजी है वो इसमें निकाल लिया, बस एक चमचा सूजी का ही मैं हलवा बनाऊँगी, तो थोड़ी बहुत डाल सकती हूँ अगर डाली तो, और थोड़ी बहुत वैसे तो एक चमचा काफ़ी है हम सब के लिए। तो मतलब हमारे घर में ये नहीं सबको सूजी का हलवा पसंद है, पापा भी कम है, पापा जी को कम पसंद है, भाभी जो है वो भी थोड़ा कम खाती है, और मम्मी मैं अंकल जी बच्चे हम सब खाते हैं ज़्यादा, जो छोटे भैया हैं वो भी कम ही खाते हैं, उन लोगों को बेसन का हलवा पसंद है। तो बस पसंद के ऊपर बात है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो अभी देखिए मैंने इसमें सूजी भी डाल दी थी और मैं इसे अच्छे से चलाती रहूँगी, तो मुझे घी थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसमें और घी डालूँगी थोड़ा सा, तो मैं इसे तब तक चलाती रहूँगी जब तक ये हल्की हल्की रेड रेड ना हो जाए, इसे भूनती रहूँगी मतलब। तो मैं अभी सूजी को ऐसे ही बराबर भून रही थी, तो बस मेरी सूजी जो है वो हल्की हल्की रेड हो चुकी थी और बस भूनने ही वाली थी, और मैं उसमें डाल दूँगी पानी। तो कुछ लोग हलवा बनाते हैं तो वो शरबत का यूज करते हैं, तो मैं शरबत का यूज नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट पानी डालकर चीनी डालती हूँ। पानी मैंने इसमें डाल दिया है और एक ही चमचा मैंने इसमें चीनी डाली है, ऐसे बोलते हैं सूजी से ज़्यादा होनी चाहिए चीनी। तो देखिए मेरा जो हलवा है बनकर तैयार हो, पसीना देखिए किस तरह से पसीना आ रहा है, बुरी हालत हो गई है थोड़ी सी देर में, इतनी गर्मी लग रही है पहुँचा था। तो बस अभी हलवा बन जाएगा फिर बाहर निकल जाऊँगी, सब लोगों को दे दूँगी और तभी बाहर निकलूँगी। अभी पूछ लेती हूँ अगर चाय बननी होगी तो चाय भी साथ के साथ बना दूँगी। अभी उसके बाद देखिए मेरा हलवा बनकर तैयार हो चुका था, और यहाँ मैं ले रही थी भगोना तो कैंपर रखा हुआ था बाहर, उसमें से मैं पानी लेकर आ रही थी, मुझे बनानी है चाय। और छोटे भैया जो है वो खाना खा रहे थे तीसरे पैर में, उन्होंने दोपहर में नहीं खाया था, वो दोपहर में आकर खेत में से थक गए थे, आकर सो गए थे, तो अभी वो खाना खा रहे थे, उनके हाथ में चोट लग रही है, तो देखिए सीधा हाथ है उससे खाना खाना पड़ता है, उसी में चोट लगी हुई है। और मैं इधर गई हूँ कैंपर में से पानी लेने के लिए, तो मैं पानी भी ले आई हूँ, तो मैं चाय रख देती हूँ बनने के लिए। और देखिए मेरा जो हलवा है वो बनकर तैयार हो गया है। देखिए तो हम लोग केड़ा केड़ा हलवा खाते हैं, पतला हलवा भी नहीं खाते हैं, बहुत जगह देखा है मैंने पतला पतला हलवा खाते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस होती है, बस हम लोग तो ऐसा ही खाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ चाय का पानी चढ़ा दिया और मैं गैस ऑन कर देती हूँ, और इसमें डाल देती हूँ मैं चीनी पत्ती, तो इधर मेरी चाय बनती रहेगी। और मैं और साथ के साथ ये बची हुई चीनी इसमें डाल देते हैं। तो हलवा जो है अभी जीता लेते हैं काय में, यह इतने चाय बने कि इतने हलवे की प्लेट रेडी कर लेते हैं। मेरी हलवे की देखिए यहाँ पर मेरी हलवे की प्लेट जो है वो लगकर तैयार हो चुकी थी, उसके बाद मैं और मेरी मम्मी खा रहे हैं हलवा। तो आप लोग बोल रहे होंगे बाकी सब कहाँ हैं सोचोगे, तो अंकल जी जो हैं वो नीचे हैं और भैया जो है छोटी भतीजी को ट्यूशन छोड़ने के लिए गए हैं। तो अवनी जो है अभी सोकर उठी थी, आलकस में हो रही थी, तो उसे बोले थे बेटे आ जा हलवा खा ले, तो अंकल जी का वेट कर हमने काफ़ी देर तक कि ऊपर आ जाए हलवा खा ले, तो नीचे उनके पास कोई आ गया तो वो वहीं रुक गए, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है तो आप लोग इतने खा लीजिए और फिर उसके बाद आकर खा लूँगा मैं। तो मैं और मम्मी खा रहे थे और कायरव को आप लोग देख रहे हो, तो कायरव भी लग रहा था। तो अभी मैं और मम्मी जो है खाने के लिए लग गए थे, और मैं हम तीन जनों का हलवा गाल कर लाई थी, अपना, अंकल जी का, मम्मी का,
और बाकी का जो है मैं एक कटोरी में डाल कर रखे आई थी, क्योंकि भाभी जो है वो भी सो रही थी। और भैया मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ, भतीजी को ट्यूशन छोड़ने के लिए गए हैं, उन सब के नाम का मैं एक कटोरी में डाल कर आ गई थी अपने, और मम्मी और अंकल जी का डाल लाई थी, तो कायरव को भी खुआ रही थी मैं साथ के साथ, और कप मैं उसके लिए ले रही थी दूध, ये मैं सोचेगा चाय पिला रही हूँ तो उसे दूध पिला रही थी मैं। मम्मी बोल रही थी कि उसे दूध और हलवा देते ज़रा सा, ये भी खा लेगा वरना हाथ मारेगा। तो देखिए ट्रे को मतलब इतना भाग भाग कर पकड़ रहा था, छोड़ नहीं रहा था। मम्मी मैं मम्मी से बात कर रही थी तो कुछ कमेंट मेरे कपड़ों को लेकर आ रहे थे। तो देखिए मायके में आकर तो जैसा मन करा वैसा पहन लेती हूँ मैं, ससुराल में जाकर तो आप लोगों की बात सही है, ऐसा नहीं है कि कपड़े है नहीं, जैसे भी है पहनती हूँ मैं। मुझे देखिए ज़्यादा फैंसी नहीं हूँ मैं, आप लोग जानते हो मैं सी, कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी आप बहुत सिंपल हो सादे हो, हाँ मैं शुरू से ही सिंपल सादी हूँ, मेरे को ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं बनना आता और ना ही मुझे अच्छा लगता है। मैं जैसी भी हूँ मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है रहना। तो अभी हम लोग जो है हलवा खा लेंगे, तो मिलती हूँ आप लोगों से हलवा खाने के बाद। ब्रांड कर लेते हैं और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तो आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो कि कुछ फोटो कुछ लोगों ने पहचान लिया है, ये कौन है ये कौन है, कुछ लोगों को पहचान में नहीं आया है। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये गौरव भैया है जो अकेले हैं, जी वो गौरव भैया हैं। और कुछ फ़ोटो हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को नहीं पता चला कि ये कौन है किसका है। तो मैं अभी आज फ़ोटो की जो फोटो कॉपी है वो कर कर इसमें लगाऊंगी, ऐसे वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, अच्छे से नहीं दिखता आप लोगों को। तो देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि तू यूट्यूब पर है, चेहरा शक्ल सुधार कर आया कर। और देखिए मैं जानती हूँ मैं यूट्यूब पर हूँ, आप लोगों की बात से मैं सहमत हूँ, मुझे बुरी नहीं लगी। पर एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, शक्ल सूरत की बात यह है मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, बच्चा है। और ये बोलेंगे क्यों बना रही है वीडियो अगर टाइम नहीं है, तो देखिए शक्ल सूरत जो है वो भगवान बनाते हैं, हम खुद से नहीं बनाते हैं। पिंपल्स की बात है हाँ, उसके लिए मैं दवाई अप्लाई करूँगी, उन्हें ज़रूर सुधारूँगी, पर किसी को ऐसा बोलने का आपको कोई हक नहीं है। और चलो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, गलत भी नहीं है। तो आप लोगों को मैं फ़ोटो दिखाऊँगी जो आप लोगों को पहचान नहीं पाए हों और अच्छे से नहीं दिख रहे थे आप लोग कमेंट कर रहे हो। तो कुछ फ़ोटो मैं आप लोगों का दिखाऊँगी वे कौन कौन है, शायद आप पहचान गए हो, जिसे नहीं पहचान पाए हैं उसे दिखाऊँगी बताऊँगी। और मैं एक नाम लेना चाहती हूँ, तो अभी मैं एक नाम लेना चाहती हूँ, कमला देवी राम सिंह। तो हेलो ज्योति ब्लॉगर की राम राम आपको। तो देखिए आज के लिए बस एक ही नाम लूँगी मैं, तो आप लोगों के साथ मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। तो जो फ़ोटो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं और कुछ लोगों को समझ में नहीं आए हैं। और एक बात बोलना चाहती हूँ, कुछ फ़ोटो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं बता देती हूँ, ये जो ग्रीन सूट में है ये मेरा फ़ोटो है, जब मैं दिल्ली गई थी अपने भैया भाभी के पास शादी होने के बाद, मेरा फ़ोटो है। तो मैं इतनी मोटी हो गई थी देखिए शादी के बाद, भैया ने वहाँ जाने के बाद इतनी गौर की, अनार का जूस मौसमी का जूस, मतलब भाभी ने भैया ने इतनी ज़्यादा गौर की, एक दिन भी जूस नहीं टूटने दिया। अगर मैंने मना भी करी तो भाभी ने एकदम भैया को बोलकर मंगा दिया कि दीदी के लिए जूस लेकर आओ। तो मैं एक महीने में क्या 15 दिन में इतनी मोटी होकर आ गई थी, एक महीना रहने भी नहीं पाई, 15 दिन में इतनी मोटी हो गई, भूरी हो गई, मेरे को खुद पहचान में नहीं आया कि मैं हूँ। पर मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा फिर से ऐसी मोटी हो जाऊँगी, आज देखिए क्या हालत हो रही है। और जो फोटो ग्रीन वाला तो मेरा है, और जो गोलो पोलो है कुर्सी पर वो है अवनी, और जो अंकल जी जो हैं उनकी गोद में हैं वो मेरे बड़े भैया हैं गौरव भैया, और जो हाथी पर बैठे हुए हैं मैं बैठी हूँ, मेरे चाचा जी के लड़के हैं, ताऊ के लड़के हैं, और बड़े वाले हैं गौरव भैया और अंकल जी। तो हम लोग हमारे यहाँ इधर हस्तनापुर पड़ता है, उधर घूमने के लिए गए थे, वहाँ का फोटो है ये। अगर जो इस साइड के लोग हैं तो कभी जिन्होंने गए होंगे उन्हें ज़रूर पता होगा हस्तनापुर में हाथी है ऐसा एक पत्थर का, उस पर बैठा कर घुमाया जाता है, तो जब हम छोटे छोटे थे उस पर घूम कर आए थे। तो ये हमारा तब का फोटो है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कुछ कमेंट आ रहे थे कि स्कूल में तो कपड़े अच्छे पहनने करती, तो जैसी अपनी औकात है जितनी अपनी औकात हो आदमी को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, कमेंट करते हैं। तो देखिए मेरे को जैसा मिल जैसा देश वैसा भेस, बोला ना शुरू से ही सिंपल थी, फैशन नहीं जानती हूँ, शुरू से ही सिंपल रही हूँ मैं, मेरे को स्टैंडर्ड वगैरह नहीं आता है, और आज भी ऐसी हूँ, और आप लोग आज भी मुझे ऐसे सिंपल शादी पसंद करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ कुछ बदलने की बात है तो मैं अपने आप में कुछ बदलाव करने की कोशिश करूँगी, धीरे धीरे कर रही हूँ, टाइम लगेगा, एक मिनट में कुछ नहीं होता है,
पर हाँ मैं खुश हूँ कि मेरी फैमिली वाले मुझसे उम्मीद रखते हैं, तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतारना चाहती हूँ। सनी, आप लोगों का हर्ट करना चाहती हूँ। और जो अधूरी कहानी थी वो आज मैंने पूरी कर दी है। तो कुछ लोगों को फोटो को लेकर कमेंट आ रहे थे, उन्हें मैंने पूरा कर दिया है। कुछ लोग बोल रहे थे हमें नहीं पता ये कौन है, तो हाँ आपकी बात सही है, आप लोगों को नहीं पता कौन है, पर कुछ लोगों ने पहचाना और सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब आए हैं। मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, आप लोगों के जवाब सही आए हैं। गोलो पोलो है अपनी है, वो जो दूसरी है जो बकरी का बच्चा ले रही है वो मेरी भतीजी है मांटू, वो भी सही आए हैं। तो फिर मिलती हूँ, एक नाम लेना चाहती हूँ कमला देवी राम सीन, तो उनका पूरा नाम है कमला देवी राम सीन। तो कैसे हो, हेलो ज्योति व्लॉगर की, राम राम आपको। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो एक बात और बोलना चाहती हूँ, ये जो फ़ोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये हमारी बचपन की कुछ अधूरी यादें थी, कल की है। मैंने शेयर कुछ फ़ोटो आप लोगों को समझ में नहीं आए थे, वो मैंने इसमें अभी स्क्रीन शॉट लेकर डाल दिए हैं। और अभी बीच में अधूरी रह गई कहानी, मतलब यही रहा कि आप लोगों को पूरा पता नहीं चला, कुछ लोग पहचान गए कुछ लोग नहीं पहचान पाए, तो इसलिए फ़ोटो लगाए हैं बीच में और बता भी दिया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट।